भसीन साहब के बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करने का समय हो गया है और भसीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल का शानदार सेशन हुआ बाजार का, आपका कोटक बैंक का पिक तो काफी चल गया। अभी मैं देख रहा था डेटा कि इतना अंडर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 2-3 सालों में कि कल के 5-7% चलने के बाद भी फॉर द ईयर अभी भी नेगेटिव है। अभी भी इसमें जूस बचा है आपके हिसाब से? सबसे पहले ये ट्रेंड पकड़ा था और कहा भी था कि दावे से कि इंडेक्स न्यू हाई जाएगा, जब सब जूझ रहे थे 1800 पे, तो व्हाट अ मंथ एंड व्हाट अ वीक, सो सुपर्ब। और अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, अभी तो शुरुआत है। और बैंक्स में तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि किसी दिन 2000 पॉइंट की रैली आएगी, और भगवान ने मान ली और एक ही दिन में 1600 पॉइंट। बैंक निफ्टी इज अ नो ब्रेनर। कुछ पैसा अपने जो है ना पावर स्टॉक्स पे पीएसयू से निकालिए और अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में डालिए। आपको और बता दूं, फ्राइडे को आपको फेडरल बैंक पीएनबी दिया था, एसडब्ल्यू सोलर भी दिया था, जो 2 दिन से सर्किट में है। ये शेयर का भाव आपको अगले साल 750 रुपए हो जाएगा, ये याद रखना। अभी के लिए आपके लिए 3 पिक्स हैं और मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ, टेक सम चिप्स ऑफ द टेबल इन द मिड एंड स्मॉल कैप, पर्टिकुलरली पावर। और लार्ज कैप में कंफर्ट मिल रहा है, बिकॉज वहां चाहे आपको 30-30% की रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन यू विल स्टे इन्वेस्टेड। और आपके पास जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस, बिकॉज रिमेंबर जब फॉरनर्स बाय करने आएंगे तो वो इंडेक्स के स्टॉक्स पे ज्यादा दारोमदार लगाएंगे। आप कहे तो आज मेरी 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी हाँ बिल्कुल बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ा ये न्यू हाई जो लग रहे हैं, सबसे पहले उसमें शुरुआत हुई थी इंश्योरेंस कंपनीज, और आपने देखा एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ। मेरा यहाँ इन्वेस्टेड डिस्क्लोजर, एचडीएफसी लाइफ हमारा टॉप पिक है और ये न्यू हाई पे जा, यू नो 695। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर जब इसने एक्साइट की एक्विजिशन की थी, इट हिट हाई ऑफ 750। तो मुझे 735 और 750 एचडीएफसी लाइफ में दिख रहे हैं। बिजनेस इज डूइंग द बेस्ट, देयर ग्रॉस मंथली वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, और मुझे लगता है एपीई इज एन नो ब्रेनर। तो ये इंश्योरेंस इज अ वेरी वेरी गुड सेक्टर टू बी इन। आपको एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखती है, यील्ड्स फॉल करने से ट्रेजरी इनकम बनेगी, और HDFC Life is taking the cake। तो मुझे यहाँ 654 का स्टॉप लॉस, 735, 750 मुझे लगता है प्रीवियस हाई ये टच करेगा 100%। दूसरा मेरा पिक है गोदरेज प्रॉपर्टी। अजय जी, सोना न्यू हाई, स्टॉक्स न्यू हाई, और साथ में बिटकॉइन न्यू हाई। आप भी खुश हो, प्रियंका भी खुश है सोने से, और डिप्पी भी खुश है बिटकॉइन की वजह से। तीनों चीजें इन टैंडम चल रही है, तो प्रॉपर्टी कैसे सस्ती मिलेगी। यहाँ पे सोना रोड के पास एसपीवी न्यू लॉन्च किया है गोदरेज ने, 20,000 रुपए स्क्वायर फुट, आप बिलीव नहीं कर सकते, और अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। गोदरेज इज एक्सपेंडिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली एनसीआर लाइक नो बिजनेस। और उनके पास जो डेट आप लोग कहते हो, इट इज बींग यूज इन इन एक्सपेंशन, और मुझे कोई दो राय नहीं, ये वापिस 2500 जाएगा जो इसका लास्ट टू लास्ट ईयर का हाई था। तो 2100 का टारगेट है, 1865 का स्टॉप लॉस। The best proxy to rising gold and stocks is real estate. Last but not least, LTTS. आपके पास एक quality stock है जो outperform कर रही है in defense and in other verticals. और मुझे लगता है IT will now be the preferred choice of outperformance, because आपके पास valuation comfort भी है और LTTS का proven track record है. So these are 3 pedigree names which I would go with. क्या बात है, शानदार। और शानदार बात ये भी, आपको कैसे मालूम चला कि डिम्पी जो है बिटकॉइन के काफी ज्यादा फॉलोअर हैं क्लोजली, ये कैसे पता चला आपको? सर मैंने 1-2-3 किया था, तो मैंने कहा आपकी है, सोना प्रियंका का है, तो बिटकॉइन मैंने डिम्पी जी को डाल दिया, और 20,000 वाला 40 एक ब्रेकआउट कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, डिम्पी तो ब्रेकआउट फॉलो करते हैं, वो किसी भी टिक साइज में आए, किसी भी एसेट क्लास में पकड़ लेते हैं चार्ट पे। तो ठीक है वसीम साहब, 20,000 वाला 40,000 हो गया सर, डिम्पी जी बताइए। बहुत शुक्रिया।